ശീതീകരണം जातवेदसी सुनवाम सोमवरातीयतो निदहाति वेदः सनः परुषदति दुर्गानि विश्वाना देव सिंधुं दुरितात्यग्निः ताम्मग्निवरणाहं तपसा जुलन्तिं वैरोचनिं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवी त्वं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसिं नमः इत्योद्यां समप्रवां मृगपतिम् स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभीकरवालकेटविलषभृत्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिकेटिविशिखांश्चापं गुणन्तरजनिम् विभ्रालां मरलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रनेत्रां भजे खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलम्भुसुन्दीं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करिष्णनयनां सर्वाङ्गः वृषाभृताम् नीलस्य मधुतिमासस्य पादतसकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ सुतपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुक्तेटवम् अक्षराष्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टासुरावाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नानुनाम् सेवे शैलिवमरदनीमिः महालक्ष्मी सरोजिस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायकम् हस्ताब्जे ददतिं घनान्तविलशः शीतांस्तुल्यवप्रवाम् गौरीयदेयसमुद्भवां त्रिजगत्माधारभूतां महा पूर्वामन्त्रसरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीः शुकलां ब्रह्मविचारसारपरममाध्यां जगद्व्यापिनीम् क्रीडां पुस्तकधारिणीं भयदां चाडुन्दकारापहाम् हस्तैफाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अचतुरवदनो ब्रह्मा द्विबाहो परो हरिः अभाललोचनो शम्भो भगवान् बादरायणः
प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् त्वयपायनो विरहकातरया जुहाव त्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गति ते गिरम् यत्र पाहुतमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् कूजयन्ति राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री गणेश जी महाराज की श्री सरस्वती मैया की श्री नगर देवता की श्री ग्राम देवता की श्री स्थान देवता की लहरान मैया की भैरव बाबा की हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव धर्म की अधर्म का नाश अधर्म का नाश प्राणियों में शुद्ध भावना हो प्राणियों में शुद्ध भावना विश्व का गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो गौ हत्या भारत भंड नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय 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 श्री राधे श्याम जय 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 श्री सीता उपस्थित समस्त भक्ताज वृंद तथा भक्तमयी माताएं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से देव वृंद स्थानत वृंद तथा भूत प्रेत पिशाच बेताल सभी को बंधन करते हुए परमाध्यक्ष श्री अकारण करुणा वरुणालय भगवत वांछा कल्पतरु सर्वश्रेय सामर्थ्य स्रोत श्री जगन्नाथ महाप्रभु की परम अध्यक्षता के कृपाभूत होकर भगवती जगतुद्धारणी जगज्जननी पराम्बिका पराशक्ति श्री लहरायण मैया के परम सानिध्य में परम पवित्र हृदयागम्य को अमृत रस से तल्लीन कर देने वाला श्री विष्णु महापुराण का हम और आप भगवान की महती कृपा से श्रवण लाभ उठा रहे हैं। आज कथा विश्राम की ओर भी चलेगी। भगवान की इतनी कृपा रही कि सरकार
सुराणाम अपि दुर्लभ, जो देवता भी नहीं सुन सकते हैं उस कथा को, गुप्ताद चरित्रों को, भगवान के कुछ प्रकट चरित्र हैं जो सभी को ज्ञात होते हैं। जैसे चैत्र की नवरात्रि और अश्विन मास की नवरात्रि, दोनों नवरात्रियों को सभी लोग जानते हैं, परंतु माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि ये गुप्त कही है। सरकार नवरात्रि भी चार बेर आते हैं प्रत्येक वर्ष में, तो कुछ तो भगवान के चरित्र प्रकट रूप से है, कुछ भगवान के गुप्त है। और गुप्त चरित्र तभी कहे जाते हैं जब सन्मुख कोई अधिकारी होता है। गूढ़ तत्व न साध दुरावय, आरत अधिकारी जह पाव। आपने हमने सबने परम पवित्र वास्तविक हृदय को छू लेने वाले ऐसे प्रसंगों का जो श्रवण लाभ उठाया था, भगवान की कृपा के भूत होकर उनकी कृपा से ही इन चरित्रों का जो लाभ का फल है, वह फल महाराज शेष और शारदा अपने मुख से वर्णन करने में लग जाए तब भी उस फल को व्याख्यान में नहीं ला सकते। इतना पवित्र फल है। कथा श्रवण करने के लिए पहले मन और वाणी पवित्र करने के लिए थोड़ा संकीर्तन, क्योंकि मशीन हमारी भी गर्म हो जाए तब कहेंगे कुछ। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय कहकर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। Thank you.